हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेप फिल्म्स न्यूज। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी ने सातवें दिन अपना अनशन तोड़ा। अन्ना जी को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अन्ना जी को जूस पिलाया और सातवें दिन अन्ना जी का अनशन खत्म कराया गया। केंद्र सरकार ने अन्ना जी की सात मांगों को माना है, जिसमें से किसानों के लिए मुख्य बात है कि जो भी फसल की लागत है उसका डेढ़ गुना किसानों को दिया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने 6 महीने का वक्त मांगा है और अन्ना ने 6 महीने का वक्त दे दिया है। और जो लोकायुक्त और लोकपाल की नियुक्ति थी उस पर भी 6 महीने का वक्त दिया गया है और किसान के कर्जों को लेकर भी 6 महीने का वक्त दिया गया है। लगभग 11 में से 7 मांगे मान ली गई है केंद्र सरकार द्वारा और अन्ना ने सातवें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया है। उसके लिए अनशन पे बैठे थे, उसमें से 7-8 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर आप सहमति हमारी हुई है, लेकिन 2 पॉइंट जो है, एक लोकपाल लोकायुक्त नियुक्ति जो है और एक कृषि मूल्य आयोग, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्प्यूट हम लोगों का, डिस्प्यूट में नहीं कहूंगा, लेकिन अन्ना का कहना अलग है और पीएमओ ऑफिस का कहना थोड़ा अलग है। तो इसलिए सुबह वापस फिर से हम पीएमओ ऑफिस से बात करेंगे, संबंधित जो विभाग है मंत्रालय है उससे हम बात करेंगे, उसके बाद में ही ये विषय का मतलब कृषि मूल्यों का जो आयोग का जो रिपोर्ट आता है ये काट छाट करते हैं, किसानों को दाम नहीं मिलता। हमारा कहना है कि वो कृषि मूल्य आयोग है जैसे चुनाव आयोग है, ऐसे उसको दर्जा दे दो, संवैधानिक दर्जा, उसको स्वायत्तता दे दो, सरकार का नियंत्रण मत रखो उसको। जब तक सरकार का नियंत्रण है तब तक ये प्रश्न नहीं छूटेगा। के साथ 25 साल से काम कर रहा है, लेकिन हमारी जो एक्शन काय के वास्ते ले रहे इसका सभी लोगों को अन्ना ने दौरा किया है, पूर्ण देश में दौरा किया है, सब किसानों के प्रश्न उठाए हैं। लोकपाल लोकायुक्त वो सरकार ने, पिछले सरकार ने आश्वासन दिया था, मोदी ने इलेक्शन के पहले उन्होंने बताया था कि लोकपाल सशक्त लोकायुक्त हम लाएंगे, किसानों के प्रश्न उठाएंगे, लेकिन वो बात कागज पर रह गई, उसने कुछ नहीं किया, किसान आज मर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, सरकारें गंभीर नहीं है ये सब जानते हैं, लेकिन ये रामलीला की मिट्टी, रामलीला की धरती ऐसी पवित्र भूमि है, इस रामलीला मैदान ने बड़ी बड़ी सत्ताओं को उखड़ते और बनते देखा है। अब ये सरकार का फर्ज है, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो या बेघर लोग हो, सरकारों का फर्ज बनता है कि सबके सपनों का साकार करें। सरकारें हम बनाते क्यों हैं? ये किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, बुजुर्ग, ये सभी सरकारों को चुनते हैं, उसके बाद सरकार उनके कामों को नहीं करती है। अब लाखों किसान देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? We'll be right back.
हम पंत प्रधान जी को इतने लेटर लिखे कि उद्योगपतियों को कर्जा माफ करते, किसानों को क्यों नहीं करते? और इनको बोल रहे हैं, अभी अनशन पर बैठा है, इनको बोल रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ करो। इधर से तो बात करके जाते हैं और बाद में बताते नहीं कि कर्जा माफी के लिए क्या हो। किसानों को कर्जा माफ करने के लिए क्या डिसीजन है बताते नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक किसान का कर्जा माफी नहीं होगा तब तक मेरा अनशन नहीं छूटेगा। देश में पहले सरकार का भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इसलिए हमने उस टाइम पर आंदोलन किया और उस टाइम पर लोकपाल लोकायुक्त का कानून बना। अभी ये कानून का अगर अमल होता तो बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन को ब्रेक लगता।